आप लोग ने यहाँ में आज आकर हमें समय दिया है बात करने के लिए. आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस. इसके बाद मैं थोड़ा बोलने के बाद दो अलग पार्टीज भी है यहाँ में जो अपना बात रखेंगे. मैं सिर्फ तिपरा मौथा के लिए बात करना चाहता हूँ. मैं बहुत खुशी हूँ कि आज से इतिहास में पहले बार होगा कि एक एससी सीट से एक आंचलिक पार्टी ने एक उम्मीदवार दिया है जो सीरियसली कॉन्टेस्ट करेगा आने वाले बाय इलेक्शन में. पिपरा मौथा ने सुरमा से कैंडिडेट दिया है, एससी सीट है, और ये शायद पहले बार है कि एक आंचलिक पार्टी ने एक एससी रिजर्व सीट से, इतिहास ऑफ त्रिपुरा में पहले बार होगा कि हमने कैंडिडेट दिया है. आज से पहले जो हमारे लोग थे उनको कभी ये मौका नहीं मिला कि एक रीजनल पार्टी के लिए वोट करें. ये पहले बार उनके पास एक अवसर है कि ये अपना आंचलिक पार्टी को समर्थन दे. आज तक जो भी वहाँ में थे उनको सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम या तृणमूल को वोट करने का एक ऑप्शन था, एक आंचलिक पार्टी का कभी ऑप्शन नहीं था. ये ऑप्शन हमने कर दिया है और इससे और एक चीज़ भी हमने प्रूफ दिया है, सबको सबूत दिया है कि तिपरा मौथा कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, सब कम्युनिटी के संग है, सब धर्म के साथ है, और हमारा जो डीएनए है वो सेक्युलर है. हमारा डीएनए किसी के खिलाफ नहीं है, और जब हम बात करते हैं तो हम अपने प्रोटेक्शन, तिपरा सा का प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, किसी और का अधिकार छीनने के बारे बात नहीं करते. जो लोग कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं वो अपना अधिकार के बारे कम, दूसरे का अधिकार छीनने के बारे ज़्यादा बात करते हैं. हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे ज़्यादा बात करते हैं, किसी और का संवैधानिक राइट हटाने के बारे बात नहीं करते. आपको और एक बात मैं बोल दूँ, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, 10,323 टीचर्स आज तक सब ने कहा है कि 10,323 टीचर्स का जो उनका एक समस्या का हल होना चाहिए. हमने एक, हमारा एमएलए कैंडिडेट खुद ही एक विक्टिम है 10,323 टीचर्स का. मैं चाहता हूं कि हमारा उम्मीदवार खुद असेंबली जाए और असेंबली में 10,323 टीचर्स के बारे में बात करें, क्योंकि ये सोल्यूशन हमें चाहिए. हम बात कम करते हैं, हमने एक कैंडिडेट दिया है जो एक्चुअली सफ़र किया है जिसने, और मैं चाहता हूं कि यही कैंडिडेट जाकर असेंबली में अपने बारे बोले. मेरे संग यहां में और दो पार्टीज हैं जिन्होंने तिपरा मौथा को इस बाय इलेक्शन में ओपनली सपोर्ट किया है और कहा है कि वो हमारे लिए प्रचार भी करेंगे. टुवर्ड्स माय राइट इज माय ओल्ड कोलीग हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पूजन बिस्वास, एंड आई ऑल्सो हैव बिलास कुंडू हुज गॉट हिज ओन पार्टी और अ ब्रिगेड फॉर द एससी पीपल. मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि तिपरा मौथा के खिलाफ बहुत दुर्प्रचार हुआ है, लेकिन जिन्होंने हमारे खिलाफ कैंपेन किया है आज आप देख सकते हैं कि उनका स्थिति त्रिपुरा में अच्छा नहीं है. और त्रिपुरा जिस लास्ट 7 महीने में, अगले 7 महीने में आप देखेंगे कि त्रिपुरा में बहुत चीज़ बदलेगा, और उस चेंज में तिपरा मौथा भी शामिल होगा. तिपरा मौथा इज़ रेडी एंड ऑन द ग्राउंड एंड वी विल फाइट. We will fight for the rights of the people of Tripura and we will not compromise on our core ideology. We want a constitutional solution and we will keep on fighting for that. But we will also give opportunity to those who cannot speak. Hum unko bhi mauka dena chahte hain, jo tribal nahi bhi ho, tabhi bhi unko Tripura mein jagah nahi mila hai, mauka nahi mila hai, space nahi mila hai. Aur ye jo mere khilaf propaganda tha, आज ये कैंडिडेट देकर मैंने साबित कर दिया
कि तिपरासा कम्युनल कभी नहीं हो सकता है। तिपरासा का दिल बड़ा है, तिपरासा ने यहाँ में सबको शरण दिया है और तिपरासा सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट कर रहा है, किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को छीनने के लिए नहीं। ये बात रख के आई वुड लाइक मेंबर्स ऑफ द TDP TDF, यहाँ में मेरे ओल्ड एडवाइजर भी है तापोश बाबू, ही वॉज द कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट, बहुत अच्छा लगता है तापोश बाबू को यहाँ देखकर। पुण्यता चाकमा है मेरे मेरे पॉलिटिकल एडवाइजर, राजेश्वर है यहाँ में, अनंत बाबू है मेरे कैंडिडेट यहाँ में है, प्रार्थी यहाँ में है हमारे, अनंत बाबू है यहाँ में, बिलास कुंडू है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इनसे भी कुछ सवाल पूछें। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कोई भी हमें सपोर्ट करे मैं क्यों ना बोलूं, अगर कल बीजेपी भी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर देंगे तभी भी मैं थैंक यू बोलूंगा। ये तो इलेक्शंस है, और अगर कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दे रहा है और मुझे उन्होंने कहा कि वो सपोर्ट करेंगे, तो मेरे संग ऑफिशियली तो बात नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो बोल रहे कि वो कांग्रेस कैंडिडेट नहीं देगी और हमें समर्थन करेगी तो मैं वेलकम करता हूँ। मैं CPM को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। मैं BJP को भी बोलूँगा कि मुझे कीजिए। तृणमूल है, आज 10,323 का एक टीचर, एक हिंदुस्तानी SC वो फाइट कर रहा है, आप सबको सपोर्ट करना चाहिए। एक 10,323 का एक कैंडिडेट अगर MLA बनकर असेंबली में अपने लोगों के बारे बात करेगा तो इसका इम्पैक्ट भी कुछ और होगा। सी राइट नाउ वी हैव लुक्ड एट द एंटायर डेमोग्राफिक्स एंड वी हैव सीन दैट वी हैव अ साइजेबल इन्फ्लुएंस इन सुरमा एंड अगर इफ देर इज इलेक्शंस टुमारो, लेट्स से दिस इलेक्शंस अनाउंस इन अमरपुर, वील डेफिनेटली फाइट। इफ दिस इलेक्शंस अनाउंस इन तेलियामुरा, वील डेफिनेटली फाइट। मोहनपुर, वील डेफिनेटली फाइट। देर आर मेनी सीट्स, माताबारी, धनपुर, अमरपुर, वी आर ऑल्सो पानी सागर, सो देर आर मेनी सीट्स, कल्याणपुर, ओह अरे चित्तबाबू से, हाँ कमलपुर, कमलपुर वी हैव वेरी स्ट्रांग प्रेजेंस। सो वी विल फाइट, वी आर देयर, वी हैव जीरोड इन 35 सीट्स, बट टुमारो वी कैन इवन फाइट इन 55 सीट्स। वी आर ग्रोइंग, समबडी एल्स इज रिड्यूसिंग, so we are in a growth stage, but our core ideology will not be compromised. Sir, if we see the past municipal elections, there have been a lot of allegations about poll rigging and all. Do you think these elections are going to be free and fair? Allegations, madam, I've got two eyes. I saw the amount of violence in the municipal elections. Allegation is different. Allegation is when you cannot have proof. You have a mobile phone, there is proof that the violence which took place in the municipal election has shamed all of us. There was allegations that I got attacked during the TTAADC election in the SDM's office. There is video evidence, yet nobody has been arrested. So I'm extremely worried that if tomorrow Agartala again comes in the national news for all the wrong reasons, for the violence, then as a Tripuri, as a citizen of Tripura, be it a Manipuri, Tiprasa, a Bengali, for any community, Hindu, Muslim, Christian, we'll all feel ashamed, because that is not how a democracy should conduct elections. So yes, I would appeal to the Chief Election Commissioner, and I would also appeal to the police that please ensure that there is law and order. If there is violence in Tripura and the government does not ensure law and order, then we all know who's to blame. Sir, kuch din pehle Deputy CM Vishnu Deb Barman ji ne ek press conference ke to bola tha ki aapka jo demand hai rate of parliament ka, wo demand aapne BJP ke samne abhi tak openly nahi rakha. बात हो रहा है, बोल रहा है, there has been talks, but you did not keep any condition.
अच्छा स्पीक इन द मीडिया, ये किसने कहा है? विष्णुदेव बर्मन। अच्छा तो मैं अभी फोन करता हूँ उनसे और मैं पूछता हूँ, क्योंकि जिष्णु देव वर्मा हैज़ नॉट बीन करता, ही मे बी माई अंकल बट ही इज़ नॉट बीन मैंडेटेड टू स्पीक टू मी। मैंने अपना बात अमित शाह के सामने रखा था, मैंने अपने बात चीफ मिनिस्टर के सामने रखा था, मैंने अपना बात एडवोकेट जनरल के सामने रखा था, मैंने अपने बात सबके सामने रखा है। और आपको क्या चाहिए? ऑफिशियली चिट्ठी मैंने सबमिशन दिया था, हमारा पोजीशन क्लियर है। अच्छा चलिए मेरा बात को मत मानिए, आईपीएफटी ने तो एक डिमांड रखा था 2018 के पहले टिपरालैंड के बारे, उसमें क्यों नहीं बात कर रहे? वो तो उनका अलायंस पार्टनर है। और ग्रेटर टिपरालैंड का जो मेरा डिमांड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। अब किसी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं अखंड भारत चाहता हूं, ग्रेटर टिपरालैंड होबे ना, क्या ये ग्रेटर टिपरालैंड क्या खालिस्तान मूवमेंट है क्या? ये तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट है, हम क्या देश से अलग होना चाह रहे हैं? और जो देश से अलग होना चाहते थे वही बीजेपी में बैठे हैं आज। एंड आई डोंट नो इफ जिष्णु करता सेड दिस, देन आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड बिकॉज ही नोज वेरी मच माय पोजीशन। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इनवाइट अस, व्हाट डू यू वांट अस टू डू, गो आउटसाइड द सेक्रेटेरिएट एंड पुट फ्लैग्स एंड से गिव अस ग्रेटर टिपरालैंड? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन तमाशा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोज दैट डिमांड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोज दैट वी वॉन्ट टू टॉक, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉल्ड, मेनी मेंबर्स इन द रूलिंग पार्टी हैव कॉल्ड मी एंटी नेशनल, have called a demand anti-national. The government of India should, the BJP government should withdraw such statements against Tipra Motha and then they should invite us, we will talk. There is no secret talks happening. Everything will happen in front of all you media. Sir, yesterday, while speaking with the BJP candidate from six Doctor sir. Dr. Ashok Sinha is a very respected man. I know him from my days in Congress together. He himself had gone and represented many times in the Election Commission when there was rigging in 2013. He in fact prepared a draft where there was video evidence of voting malpractice. So he is well aware that in this country sometimes the system does not give justice in time. We all know, and we all know that there has been violence. We all know that there is a bike squad in Agartala, and they have not attacked me. But they've attacked other people who are leaders in Agartala. But then I was also attacked in SDM's office. Was there any, it was public knowledge, FIR was filed. Has anyone been arrested? Has the case been closed? Those people who shut down SDM's office and attacked me, if that time the chief minister and the DGP did not call me and say, Pradyot, appeal for peace, otherwise there'll be violence in Tripura. And I then immediately came and appealed for peace. If I had not done that, there would have been a law and order problem across Tripura. I have actually done my duty as a citizen because I didn't want violence. But the fact is that there are criminal elements which are in the system, and they are not. There is no action being taken against them. Today, the Chief Minister, while speaking with us, he also said that peace is the precondition and that one should have a democracy. Even when I have spoken to him a couple of times, and if he is saying what he is saying, then I welcome it. But the fact is that no justice has been done. Durga Rankhol was killed by drug people. Those people have not been arrested. There has been violence across the state. Our present chief minister at that time was BJP state president. So he should be knowing that there was no justice meted out. And so I hope that he follows through
He seems like a decent man, and we should give him some time to take action. But then action has to be seen. Justice has to be seen. And till today, I have not seen any justice. हाँ हाँ पूछो हमारा सतनामी सर खुद 10,323 में से हाँ. है तो किस परिस्थिति में आप लोग बिता रहे टाइम और आप पॉलिटिक्स में क्यों आए आप क्यों आना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं बिकॉज़ यू आल्सो आर फाइटिंग आपका लड़ाई तो आप लड़ ही रहे हैं 10,323 के हिसाब से अभी अगर आप जीत जाते हैं तो आपका तो मैसेज क्या रहेगा आप क्या करना चाहेंगे 10,323 के तो बारे में आप लोग को सबको पता है बहुत मूवमेंट किया हम लोग हमारा ऊपर क्या हालात बीता आप लोग को सबको मालूम है अभी तक 135 हमारा साथी गुजर गया और अभी जो हालत हम लोग को एक बेला खाने को नहीं जुट रहा है और इधर आने के मकसद है हमारा पहले बार इतिहास